तो गाइस शार्क टैंक इंडिया के सेकंड सीजन में टी फिट की फाउंडर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर रही है और उसी को अपना बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही है, और वो है जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं आजकल, खास करके बेवरेजेस में, और उनका जो प्रोडक्ट है उसमें टी और आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, और ये 50 लाख का आस करती हैं 3% की इक्विटी के लिए 16.67 करोड़ की वैल्यूएशन पर। दोस्तों मुझे इनका ब्रांड नेम काफ़ी पसंद आया और आई थिंक शार्क्स को भी पसंद आया होगा और उनको प्रोडक्ट भी काफ़ी पसंद आता है, लेकिन जो एक बोतल का प्राइस है वो है 120 रुपये, जो कि इंडिया के हिसाब से काफ़ी हाई है, बट स्टिल इस प्राइस पर भी काफ़ी ऑडियंस है। अगर इनकी मंथली सेल की बात करें तो 3.5 लाख रुपीज़ है इनके रिसेंट मंथ की सेल, और ये एक काफ़ी गुड मार्जिन बिजनेस है। और इसमें शार्क्स पहले तो ऑफर करते हैं विनीता और पीयूष 25% और 20%, वही इनकी लूटने वाली वैल्यूएशन पर, बट फिर अमन 10% पर ऑफर देता है और एंड में इनकी डील होती है 8% पर फॉर 50 लाख रुपीज़ ऑन 6.25 करोड़ वैल्यूएशन, जिसमें अमन, विनीता और पीयूष शामिल हैं। और गाइज ये बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है और ब्रांड नेम टी फिट काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है गाइज कि ये फ्यूचर में बड़ा बिजनेस बन सकता है। आपके क्या व्यूज़ हैं गाइज टी फिट को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना।